गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ पे शिमला मिर्च काट रही हूँ, गाजर काट रही हूँ, मटर छील के मैंने पहले ही रख दिया है और मैं बनाने जा रही हूँ। मेरे पास कल चावल बचा हुआ है तो मैंने फ्रिज में रखा था, इसीलिए मैं आज भुना हुआ चावल बनाऊँगी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी होता है और बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता भी है। तो यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा डाल दिया है, उसके बाद मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं धनिया नहीं डाल रही हूँ, ये है लहसुन की हरी पत्तियाँ हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और सर्दियों में ही मिलती हैं। उसके बाद शिमला मिर्च, गाजर और मटर तीनों एक साथ में डालूँगी और चला करके कुछ देर के लिए ढक दूँगी। इसमें मैं पानी ऐड नहीं करती और इसे बिल्कुल स्लो आँच पर मैं पकाती हूँ। बहुत अच्छा बना था और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चावल थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था तो बच गया था, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ दूध गरम, क्योंकि मीठी जग चुकी है और मीठी को दूध पिलाना है तो पीहू, और मीठी के लिए मैं दूध गरम कर रही हूँ। और इसके इनके पापा लाए थे मूँगफली, तो मूँगफली को डिब्बे में रखना था तो वही मैं सोचा कि चलो फ्री हूँ तो थोड़ा सा एक साथ कई काम कर लूँ, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने धीमी आंच पे जब ढक दिया था तो मैं चला रही हूँ, बीच बीच में अच्छे से चलाती रहूँगी ताकि लगे ना, और चेक करती रहूँगी। उसमें मैं मसाले डाली हूँ, बिल्कुल सिंपल से मसाले, डेली यूज वाले। हल्दी, धनिया और नमक, और कुछ भी नहीं डालती। मुझे इसमें बरी भी अच्छा लगता है, जो उड़द की बरी होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास है, लेकिन थोड़ा सा तीखा है, घर का बना हुआ है तो इनके पापा नहीं तीखा खा पाते, इसलिए मैं नहीं डालूंगी, नहीं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरे पास प्याज नहीं था इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला है। अगर आपके पास प्याज है तो प्लीज़ ज़रूर डालिएगा, क्योंकि प्याज अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे चावल मैंने पहले से ही फोड़ के अच्छे से रखा था, जिसमें गांठें होती है ना चावल में, उसको मैंने ख़त्म कर लिया था। और इसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ। अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसे 3-4 मिनट तक गैस पे और अच्छे से पका दूंगी ताकि चावल भी थोड़ा सा पक जाए, पकना क्या थोड़ा सा गर्म वर्म हो जाए। उसके बाद हरा धनिया काट के डाल दिया है और मुझे बहुत जल्दी जल्दी बची है, क्योंकि इनके पापा को लेट हो रहा है तो इसलिए मैं सुबह आपको हाय हेलो कुछ भी नहीं कर पाई, डायरेक्ट वीडियो शूट करने में लगी। तो लीजिए आप भी खा लीजिए यम यमी नाश्ता। और उसके बाद ये शाम का टाइम है, मैं आ गई हूँ। यहाँ पे जो भी कपड़े हैं हम लोगों के, ठंडियों में देख रहे हैं दोनों साइड कितने ज़्यादा कपड़े हैं, मैक्सिमम इनके पापा के हैं क्योंकि जगह नहीं है तो हम लोग डेली यहीं पे टांग देते हैं, मैं क्या इनके पापा का रहता है। और यहाँ पे मैं मीठी से बातें कर रही हूँ और जा रही हूँ साग, आज मुझे बनाना है पालक की साग। तो पालक की साग मैं अच्छे से देख रही हूँ कि पत्ते कि इसमें कीड़े होने के चांस होते हैं, वैसे इस टाइम तो सीज़न है तो बहुत कीड़े नहीं हैं, फिर भी एक बार अच्छे से चेक कर लेती हूँ ताकि मेरा मन मान जाए कि इसमें कीड़े नहीं हैं, और अच्छे से साफ़ सुथरा करके बनाना शुरू करती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम हो रहा है 7:30, काफी लेट हो गया है आज। जिस दिन जल्दी जल्दी करो ना उस दिन और ज्यादा लेट हो जाता है। आज मैं दोपहर में खाना सही से नहीं खा पाई तो मैंने सोचा कि शाम को जल्दी करूंगी, लेकिन आज बहुत लेट हो गया है, 7:30 हो गया, मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, बनाते बनाते और भी लेट हो जाएगा। और बताइए आप लोग कैसे हैं, आपके यहाँ मौसम कैसा है? आज तो थोड़ा सा धूप हुआ था, रोज के कंपेयर में आज थोड़ी सी धूप हुई थी, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। मौसम आज भी बहुत ठंडा है, आप देख सकते हैं, देख के लग रहा होगा मुझे। और मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, पालक की, पालक है, आलू है और मटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है ठंडियों में ना मिक्स सब्जी अच्छा लगता है, मिक्स वेज, आलू हो, पालक हो, मटर, सेम शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च भी था, लेकिन जानते हैं शिमला मिर्च ना थोड़ा सा सड़ा निकल गया था, पता नहीं क्यों, अभी कल ही लाए थे लेकिन पूरा सड़ा निकला था तो मैंने फेंक दिया, उसे नहीं बनाया। और मीठी पीहू दोनों जगी हैं, मैंने मीठी को दूध पिला दिया है, उनके पापा उन्हें देख रहे हैं। पीहू भी, पीहू को दिन में बिल्कुल भी नहीं सोई है ना मीठी सोई है, तो इससे थोड़ी सी आज दिक्कत होगी काम करने में, क्योंकि इनके पापा रहते नहीं है पूरे दिन घर पे, अकेले बच्चे को संभालो, घर के सारे काम करो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है, देख सकते हैं आप, गिर गया थोड़ा सा, सॉरी। ये देखिए हरा हरा हरा, ये धनिया नहीं है, लहसुन की पत्तियां हरी हैं और प्याज है, दो बड़े मिर्च है।
और मैंने बड़ा बड़ा काटा है, बहुत छोटा नहीं काटती क्योंकि मान लो पीहू खाना हो, इनके पापा को तो बहुत ज्यादा तीखी मिर्च लगती है, थोड़ा सा सी 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 करने लगते हैं, मैं खा लेती हूँ मीठी भी खा लेती हूँ, लेकिन इनके पापा और पीहू दो लोगों को बहुत ज्यादा मिर्च तीखी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने पचफोरन डाला है, उसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ और फिर अदरक प्याज मिर्च फिर अदरक लहसुन कूट करके ये डालूँगी। मुझे बहुत मिक्स वेज बहुत ज़्यादा पसंद है और पालक आलू मटर हो गाजर हो और शिमला मिर्च ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास शिमला मिर्च था लेकिन सड़ा हुआ था इसलिए मैं नहीं डाल पाई और सेम नहीं था। तो देखिए यहाँ पर मैं छौंक रही हूँ। धूप निकला था तो मैंने सोचा कि चलो फोल्डिंग निकाल लेते हैं आंगन में, धूप अच्छी खासी, और फिर इतने दिनों बाद निकली थी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत दिनों बाद ईद की चांद की तरह धूप निकला था तो थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। तो मैंने फोल्डिंग निकाल करके आंगन में लगा दिया और हम लोग दोपहर का खाना खा रहे थे और मेरे हस्बैंड खा चुके थे, मैं खाना स्टार्ट की थी तभी छत पे ढेर सारे मंकी, छत के ऊपर हम लोग देखे नहीं, और हम लोग की छत पे ना थोड़ा सा लोहे की राड लगी हुई है तो उसमें ढेर सारे मंकी बैठे थे, एकाएक एक बोला तो हम लोग ऊपर देखे ढेर सारे मंकी थे, ये तो खा लिए थे लेकिन मैं नहीं खा पाई थी, तो घास फूस जो भी उनके हाथ पर में फंसा हुआ था और फिर मेरे मतलब मेरे खाने में आके गिर गया, मैं खाना नहीं खा पाई थोड़ा सा, फिर दोबारा मेरा मन नहीं किया, थोड़ा सा मन उजड़ सा गया, दिमाग खराब हो गया, मेरा खाने का मन नहीं किया, तो इसलिए मैं थोड़ा मुझे भूख ज्यादा लगी क्योंकि दोपहर में मैं नहीं खा पाई। और खाना मैंने बनाया था सूरन की सब्जी बनाई थी, थोड़ा सा बची हुई है अभी मेरे पास, तो ज्यादा नहीं है लेकिन ये देखिए ये दिन का आटा है, जैसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा था क्योंकि ठंडियों का सीजन है ना तो फ्रिज में रखने का कोई मतलब है नहीं, फिर शाम को यूज ही करना था, और ये थोड़ी सी सब्जी बनी थी सूरन की सब्जी बची हुई है तो मैं अभी इसे यूज कर लूंगी, काफी अच्छी बनी थी लेकिन मैं नहीं खा पाई क्योंकि मेरा मूड एकदम खराब सा हो गया, ये बंदर का ना कोई भरोसा नहीं रहता, रोज नहीं आते थे लेकिन आज में थोड़ा सा धूप हुआ ना तो ये भी बाहर निकला है, नहीं तो रात उसको तो एक के ऊपर एक सब चिपक के एकदम बैठे रहते हैं, देख के दया भी आती है, सब रोते होते भी हैं कभी कभी। और प्याज अच्छे से जब लाल हो जाता है तो उसमें मैं पालक मटर और आलू में एक साथ ही डालती हूँ, और जब भी मैं पालक की सब्जी बनाती हूँ ना इस तरह से तो मैं थोड़ा सा आलू बड़ा बड़ा साइज में काटती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बड़ी साइज का आलू, और इसमें सेम हो तो वो तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं क्या दिखा रही हूँ आप सबको, बता दो इसे मैंने छुपा के रखा था कि गर्मी आएगा ना तो रोटी बनाते हुए बहुत गर्मी होती है तो मैं चला लिया करूंगी, लेकिन आज देख गए तो इसे दे रही हूँ मैं, मैंने मेले में से खरीद के लाए थे हम लोग, तो हमने छुपा के रख दिया था कि जब गर्मी हमें लगेगी ना तो रोटी बनाते हुए मैं चला लिया करूंगी, बड़ी अच्छी हवा आती है, इससे छोटा सा है लेकिन काफी अच्छी हवा देता है, लेकिन अब इनके हाथ चला गया तो पता नहीं, देखते हैं अगर सही सलामत आया तो फिर, अगर भूल जाएगी तो छुपा के फिर रख दूंगी क्योंकि बहुत काम की चीज है और गर्मियों में इतना पसीना। तो बस यहाँ पे मैंने गाजर, अरे सॉरी गाजर नहीं, गाजर की याद आ रही है, यहाँ पे मैं मटर डाल रही हूँ और इसके बाद इसे मैं अच्छे से चला करके ढक दूंगी और धीमी आंच पे ही कर, मैं सारे खाने मैक्सिमम धीमी आंच पे ही बनाती हूँ, और उसी टाइम मैंने बर्तन धो के रखा था तो मुझे लगा कि जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं थोड़ा सा बर्तन स्टैंड में लगा दूँ, क्योंकि एक काम खाना बनाते बनाते ना बहुत सारे काम रहते हैं तो हम लोग निपटा लेते हैं तो थोड़ा सा हमें आराम मिल जाता है, और बच्चे भी छोटे रहते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना बर्तन स्टैंड में बर्तन लगा दूँ, तो बस यहाँ पे मैं बर्तन लगाने में लग गई हूँ। और दो ही लोग हैं लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं ना, इसलिए काफ़ी पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बर्तन लगाने के बाद मैं आटा वाटा गूंथती हूँ, और वैसे भी हम लोग के काम कभी ख़त्म नहीं होते, किचन में एक बार चले जाओ तो कुछ ना कुछ हमेशा दिखता ही रहता है, पूरे दिन तो काम ही रहता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टमाटर, थोड़ी सी सब्जी हो जाने के बाद मैं टमाटर डालती हूँ क्योंकि थोड़ा टमाटर डालने से ना थोड़ा सा सब्जी जल्दी नहीं होता, लोग कहते हैं कि खट्टे की वजह से ना आलू उलू जल्दी नहीं हो पाते, तो बस यहाँ पे मैं रफली चॉप कर रही हूँ, मैंने पालक को भी रफली चॉप किया था, बहुत महीन नहीं काटा था क्योंकि पालक उलक ना मुझे चाकू से अच्छे से नहीं कट पाते, और यहाँ पर बहुत डेली यूज वाले मसाले डालूंगी मैं, बस हल्दी है धनिया पाउडर है और कुछ भी नहीं डालूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मसाले पसंद नहीं है, उसको सिंपल तरीके से अच्छे लगते हैं, और मेरा धनिया ख़त्म हो गया था तो मैं उसे फिल कर रही हूँ, कुछ भी ख़त्म हो जाता है ना तो मैं उसे ऐसे ही कर देती हूँ, तुरंत बनाते बनाते हो जाता है, बाद में तो भूल जाता है, फिर जब डालना हो तो याद आता है अरे ये चीज़ नहीं है, इससे अच्छा ना कोई चीज़ ख़त्म हो तो तुरंत डाल दो। और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा धीमी आंच करके ढक देती हूँ ताकि अच्छे से हो जाए, लगभग यहाँ पे मेरा रेडी है, और मैंने आटा गूंथ के रख लिया है, और आज मैं बाजरे की रोटी बनाने जा रही हूँ, गर्मियों में हम लोग सर्दियों में हम लोग बाजरे की रोटी ही खाना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, प्योर बाजरे की रोटी मुझे नहीं बनाने आती इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स कर देती हूँ, और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनके रेडी है, काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी,
और मीठी बहुत परेशान कर रही है, बहुत रो रही थी, तो मैं जल्दी 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 रोटी बनाने में लगी थी ताकि मैं जाऊँ उसे जल्दी से गोद में ले लूँ, बहुत रो रही थी। और ये बाजरे की रोटी है इसलिए बहुत अच्छी सी गोल भी मुझसे नहीं बनती है, इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करके मैंने बनाया था। ठंडियों में बहुत अच्छा लगता है बाजरे की रोटी, देसी घी लगा के खाना। तो बस मैं जल्दी जल्दी दो रोटी बनाऊंगी इनके पापा के लिए, उसके बाद मैं अपने लिए भी बनाती हूँ। और पता है बाजरे की रोटी अगर प्योर करके प्योर आटा मैं गूँथूँगी ना बिना आटा मिक्स किए तो मेरा टूट जाता है, पता नहीं क्यों मुझसे उठता ही नहीं है, लोग पता नहीं कैसे बना लेते हैं। और इसे सेकने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, ये जल्दी नहीं हो पाती, धीमी आँच पे नहीं तो मीडियम आँच पे इसे थोड़ा सा सेकना पड़ता है, अच्छे से सेकेंगे तभी, नहीं तो ये कच्ची कच्ची सी लगती है। तो मैं दो रोटी ही बनाती हूँ उसके बाद फिर बनाती हूँ, क्योंकि मीठी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और ठंडी है ना वो भी परेशान हो जाती है, वो सोचती है कि उसे छोड़ दें हम लोग नीचे खेलें, लेकिन ठंडियों की वजह से हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं, इस वजह से बेचारी परेशान हो जाती है। अब धीरे धीरे चलने की कोशिश करती है लेकिन बहुत खड़े होकर के गिर जाती है, अब अगर ठंडी नहीं होता तो शायद चलना शुरू भी कर देती, क्योंकि नीचे चलती उलती तो शायद जल्दी चलना शुरू कर देती। और यहाँ पे मैं लोइयाँ बना के रख लेती हूँ, इससे मुझे रोटी बनाने में आसान रहता है, कई लोइयाँ एक साथ बना लेती हूँ और जिसे रोटी जल्दी जल्दी बन जाती है। और बस यहाँ पे मेरी एक रोटी कंप्लीट हो गई है, दूसरी हो रही है, दूसरी मैंने डाल दी है और वो भी हो जल्दी से हो जाएगी। और इस रोटी को ना हम लोग हमेशा देसी घी लगा के ही खाते हैं, पराठे बनाते हैं लेकिन पराठे में ना नुकसान थोड़ा सा ज़्यादा करता है, घी लगाओ तो वो नुकसान नहीं करता, इसलिए मैं बाद में घी लगाती हूँ। तो बस ये मैं घी लगा रही हूँ और घर का घी है, मैंने खुद बनाया है, और ये गाय का घी है क्योंकि मेरे घर गाय का ही दूध आता है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो दोनों लोग को गाय का दूध ही सूट करता है, भैंस का नहीं करता है। पीयू को भी आदत है और मीठी को भी आदत हो गई है, हमेशा पीते हैं, पीने से आदत भी तो हो जाती है, इसलिए मैंने कभी भैंस का ट्राई भी नहीं किया। भैंस के दूध में तो और ज़्यादा घी निकलता है लेकिन नहीं, मेरे यहाँ गाय का ही आता है, इसमें भी अच्छा खासा निकल जाता है, हम लोग का काम चल जाता है। तो बस यही आज का रूटीन था, डेली का यही होता है मेरा, क्या सबका होता है, सुबह शाम से लेके दोपहर तक किचन में ही बीतता है, अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी ना बोरिंग भी लगने लगता है, मन नहीं करता कुछ करने का, लेकिन करना तो है ही, चाहे मन हो चाहे ना हो, कोई ऑप्शन नहीं हम लोगों के पास है, ना कोई छुट्टी ना कोई संडे, बस डेली लग जाओ अपने काम में। और ये काम एक दिन क्या एक टाइम भी आराम नहीं देता है, ऐसा हम लोगों का काम है, कोई स्पेशल डे भी हम लोग के लिए नहीं आता, चाहे कोई कितना भी स्पेशल है लेकिन काम तो करना ही है। तो यहाँ पे मेरा खाना बनके रेडी है और मैं जा रही हूँ देने, तो चलिए आप भी मेरे साथ खा लीजिए और बताइए कैसा बना है। तो फ्रेंड्स लीजिए आप भी खा लीजिए, और ये आटे गेहूं की आटे की रोटी नहीं है, ये बाजरे का है, इसलिए आपको देख के लग रहा होगा इसका कलर थोड़ा सा सफ़ेद नहीं है। तो चलिए मैं अपने हस्बैंड को देके आती हूँ उसके लिए, उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी। तो मैं आपसे कुछ देर बाद खाने के बाद मिलती हूँ, मिट्टी बहुत परेशान कर रही है, मैं जा रही हूँ, उसके बाद मैं आऊँगी तो आपसे बात करूँगी। चलिए कुछ देर बाद बात करते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, हमारा सारा काम हो गया है और मैं वीडियो का एंड करना भूल गई थी, तो याद आया कि मैंने वीडियो का एंड किया ही नहीं। आपको पता है टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है मेरी घड़ी में 2:15 बज रहा है और मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो अब मैं वीडियो एडिट कर ली हूँ, थोड़ा सा बाकी है, मैं पूरा कंप्लीट करके सोऊंगी क्योंकि सुबह मुझे अपलोड करना है, तो अगर अभी नहीं करूँगी तो फिर मैं सुबह नहीं डाल पाऊँगी वीडियो। और फिर यहाँ पे नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों की रिप्लाई जल्दी नहीं कर पाती हूँ मैसेज के, क्योंकि यहाँ पे नेट ना मैं अपने हस्बैंड से कनेक्ट करके डाल रही हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। इधर बीच क्या बहुत पहले से सोच रही हूँ सिम चेंज कर दूँ, मेरा आइडिया है एयरटेल लेना चाह रही हूँ, देखिए बिल्कुल भी नेट नहीं चलता। बच्चे बच्चे हस्बैंड और पीयू सब सो गए हैं, बाकी किचन का काम तो हो ही चुका था थोड़ा बहुत, क्या लगभग सारे काम किचन उचन के हो गए हैं और सब लोग दो दो तीन तीन घंटे पहले के सो चुके हैं। इकलौती मैं जगी हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और थोड़ा सा टीवी भी म्यूट करके छोड़ दिया है ताकि अकेलापन ना लगे। और ये देखिए मिट्ठू को, मिट्ठू भी सो गई है, मिट्ठू जगी थी, मिट्ठू भी आधा घंटा पहले या एक घंटा पहले सोई है, हाँ इसको दूध दूध पिला दिया है, ये भी सो गई है। और ये, और आपको देख के लग रहा होगा ना मुझे भी बहुत नींद आ रही है, और वॉइस ओवर करना है तो वॉइस ओवर में मैक्सिमम भोर में करती हूँ आपको, क्योंकि अभी नहीं करूँगी, थोड़ा सा वॉइस ओवर पता नहीं क्यों मुझे मन नहीं करता, वॉइस ओवर करना मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है, तो मैं उसे भोर में ही करती हूँ। और मैं अपने वीडियो का एंड भी यहीं पर करूँगी क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए ना, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। और प्लीज़ फुल वॉच वीडियो को किया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।